हाय एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सीआई टैली स्पेशलिस्ट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज का मेरा जो टॉपिक है वो खासा इम्पॉर्टेंट है बिगनर्स के लिए, जो बेसिक से कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, जो कि विंडोज़ से पहले हम इसे यूज़ करते थे। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया हुआ ये ऑपरेटिंग सिस्टम था, और जब विंडोज़ आ गया तो धीरे धीरे डॉस का यूज़ ख़त्म हो गया, और आज के टाइम में विंडोज़ में इनबिल्ट होकर के डॉस को पढ़ाया जाता है। डॉस को अब कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से जाना जाता है। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट डॉस को कवर करेंगे, स्टार्टिंग ओपन करने से डॉस का में वर्क हम कैसे करते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं, इसमें किस टाइप के कमांड्स यूज़ होते हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको कंप्लीट नॉलेज हो पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज इस चैनल पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलती रहती हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, बिकॉज इस चैनल पर सारी क्लासेस फ्री मिलती हैं, तो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं डॉस को हम ओपन कैसे करते हैं और उसमें हम वर्क कैसे करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर की मेन विंडो पर हम हैं, और यहाँ से हम डॉस को ओपन करना बताएंगे आप लोगों को। विंडोज़ 10 में यदि आपको डॉस को यूज़ करना है तो सबसे पहले आप देखें ये सर्च टैब आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो एक सर्च बार आता है, और अगर हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट में रिसेंट्स में भी दिख रहा है, लेकिन अगर हमें ओपन करना है हमारी रिसेंट्स में नहीं शो कर रहा है तो हम डॉट सी एम डी प्रेस कर देंगे। सो कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा, यहाँ से हम डायरेक्ट ओपन कर लिए। अब हम आपको बताते हैं अगर हम स्टेप बाय स्टेप ओपन करना चाहते हैं किसी भी कंप्यूटर में, यदि हमें ओपन करना है डॉस को तो हम रन करके डॉट सी एम डी प्रेस करके ओपन कर सकते हैं, या फिर आप देख पा रहे हैं स्टार्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे जिसे हम विंडो बटन भी बोलते हैं, यहाँ हमने क्लिक करा। सो हम यहाँ जाएंगे आल प्रोग्राम की जो लिस्टिंग है, यहाँ एलिवेटर को हम ड्रैग करेंगे और हम नीचे चले जाएंगे, बिकॉज विंडोज़ 10 में आपको जो डॉस मिलेगा, कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा, वो विंडोज़ सिस्टम में मिलेगा। अगर आप विंडोज़ 8 या 7 या एक्सपी वगैरह कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक्सेसरीज़ में कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा, बट विंडोज़ 10 में एक्सेसरीज़ में आपको कमांड प्रॉम्प्ट नहीं मिलेगा। आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर आपको कमांड प्रॉम्प्ट नहीं मिलेगा। यदि हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है तो यहाँ पर हम जाएंगे विंडोज़ सिस्टम्स में, बिकॉज सिस्टम की रिपेयरिंग के लिए भी हम डॉस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में सिस्टम को रिपेयर करना है, सिस्टम में बैड सेक्टर्स वगैरह को हटाना है, सो हम कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सिस्टम, विंडोज़ सिस्टम नाम के फोल्डर में आपको कमांड प्रॉम्प्ट सबसे ऊपर मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करते ही आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो आपने देखा कि स्टार्ट बटन से भी हमने ओपन करके दिखाया आपको, और यहाँ डायरेक्ट हमने सर्च करके भी आपको ओपन करके दिखाया। अब हम सर्वप्रथम यहाँ से इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं जिससे क्लियरली आपको सारी चीज़ें दिखें। आप देख पा रहे हैं टाइटल पे लिखा हुआ है कमांड प्रॉम्प्ट, सी एम डी इसका फाइल एक्सटेंशन है, और डॉस को अब कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से जाना जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन दिया गया हुआ है, बिकॉज कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंतर्गत इनबिल्ट होकर के चलता है। आप देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन 2019 में इसको कॉपीराइट किया गया। ये एग्जैक्ट पाथ बता रहा है जहाँ पर आपका एग्जैक्ट लोकेशन है कमांड प्रॉम्प्ट के सेव होने का। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पाथ शो कर रहा है आपका, c:\users\महेंद्र के पांडे। ये जो डॉस है आपका, ये यूज़र महेंद्र कुमार पांडे के अंतर्गत चल रहा है, जो कि महेंद्र कुमार पांडे नाम का जो यूज़र का फोल्डर है वो यूज़र्स के अंदर है, और यूज़र्स कहाँ हैं, c:, मतलब सी ड्राइव के अंतर्गत है। तो ये जो आपको पाथ दिख रहा है, इस पाथ को अगर हम स्टेप बाय स्टेप बैक करना चाहते हैं तो यहाँ एक कमांड हम चलाएंगे cd... अगर स्टेप बाय स्टेप बैक जाना है तो cd... एंटर कर देंगे। आप देख पा रहे हैं एक स्टेप बैक हो गए, जो हमारा महेंद्र कुमार पांडे नाम का फोल्डर था उससे हम बाहर आ गए। यदि हमें यूजर से भी बाहर आना है तो हम cd... करें, या इसका एक, अगर हमारे पास कई सारे फोल्डर सब फोल्डर्स ओपन हैं और हम उनको डायरेक्ट बंद करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे cd
\Enter। आपने देखा कि हम फोल्डर से स्टेप बाय स्टेप बैक करना चाहते हैं तो सीडी डॉट डॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर हम डायरेक्ट प्रॉम्प्ट पर पहुंचना चाहते हैं तो हमने सीडी बैक स्लैश प्रेस किया और एंटर कर दिया, हम अपने प्रॉम्प्ट पर आ गए। ये आप देख पा रहे हैं, ये प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट को चेंज करने का सबसे पहले हम जानेंगे प्रॉम्प्ट को हम कैसे बदलते हैं। प्रॉम्प्ट को चेंज करने के लिए कमांड प्रेषित किया जाता है जिस भी प्रॉम्प्ट में आपको जाना है। यहाँ प्रॉम्प्ट क्या है, ड्राइव है आपका, जिस ड्राइव के अंतर्गत आपको काम करना है उस ड्राइव का नाम आप यहाँ लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर ई ड्राइव, और यहाँ पर हमने लिया कॉलन और एंटर कर दिया। आप देख पा रहे हैं प्रॉम्प्ट चेंज हो गया। इस तरीके से हम प्रॉम्प्ट को बदल सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट के अंतर्गत हमें कोई भी वर्क करना है तो कमांड दे करके ही करना है। डॉस के अंतर्गत टू टाइप कमांड यूज़ किए जाते हैं, इंटरनल कमांड एंड एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड वो होते हैं जो कोर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम इंटरनल कमांड कहते हैं, तथा एक्सटर्नल कमांड एक्सटर्नल वर्क करने के लिए ये कमांड प्रेषित किए जाते हैं। जैसे हमें फॉर्मेट करना हो या हमें कोई भी हमें डिस्क पार्टीशन करना हो इन सब वर्क के लिए, या और भी हमें एडिटिंग करना हो तो इन सब के लिए हम एक्सटर्नल कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसको सरल भाषा में समझें कि कोर प्रोसेसिंग के लिए जिन कमांड्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम इंटरनल कमांड कहते हैं, और एक्सटर्नल वर्क के लिए जिस कमांड का हम यूज़ करते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल कमांड कहते हैं। इंटरनल कमांड के अंतर्गत कई सारे कमांड आते हैं, जैसे DIR कमांड, MD कमांड, CD कमांड, टाइप कमांड, कॉपी कॉन कमांड। हम एक एक कमांड को करके देखेंगे। हम इसमें कुछ कमांड्स आपको बताएंगे जिससे आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे आसानी से वर्क करना आ जाए। तो कमांड तो बहुत हैं, लेकिन इसमें हम आपको इस तरह से यूज़ करना बताएंगे कि आप आसानी से इस पर वर्क कर सकेंगे और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कमांड प्रॉम्प्ट का वो क्लियर हो पाएगा। तो आपने अभी देखा कि हम प्रॉम्प्ट को कैसे परिवर्तित करते हैं या कैसे बदलते हैं। अब हम आगे क्या करते हैं, हम एक कमांड चलाते हैं DIR प्रॉम्प्ट। इस एरिया को हम बोलते हैं मीन्स ई कॉलन बैक स्लैश और जो ग्रेटर देन का साइन है, ये जो पूरा एरिया है इसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। और प्रॉम्प्ट के आगे ही हम आदेश प्रेषित करते हैं मीन्स कमांड देते हैं। यहाँ जैसे मैंने लिखा हुआ है DIR कमांड। DIR कमांड का मतलब क्या है, ई नाम का जो फोल्डर है या डायरेक्टरी है इसके अंतर्गत जितने भी फोल्डर सब फोल्डर फाइल्स हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप देख पा रहे हैं ये बहुत सारी इसमें फाइलें हैं, टोटल फाइलें आप देख पा रहे हैं 87 हैं और 23 डायरेक्टरीज हैं। इनकी साइज़ वगैरह भी यहाँ पर आपको शो कर रहा है। आपने देखा कि जैसे ही हमने DIR कमांड चलाया जितने भी फाइल और फोल्डर थे वो सारे आपके सामने प्रेषित हो गए। जो डिटेल हमने अभी DIR के माध्यम से देखा, अगर इसको हम पेज वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कमांड चलाते हैं DIR \P और एंटर कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं एक पेज मैटर आपके सामने आया और यहाँ लिख करके आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं प्रेस एनी की टू कंटिन्यू मीन्स यहाँ हम अपने कीपैड से या कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करेंगे सो आपका अगला पेज आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं फिर लिख करके आ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो इस तरह से हम प्रेस करते रहेंगे, जितने भी पेज में आपका मैटर होगा उतनी बार ये रिपीट एंड रिपीट करके आता रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं तीन पेज का मैटर था जो कि डायरेक्ट हमें दिखाई दे गया। तो DIR \P के माध्यम से हमने अपने रिपोर्ट्स को या अपने डायरेक्टरी में सेव्ड मैटर को पेज वाइज देखा। अगर यही जो हमारा डिटेल्स मैटर आया हुआ है इसको अगर हम विड्थ में देखना चाहते हैं, विड्थ में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस हैं वो नहीं शो करती हैं। यहाँ हम कमांड चलाते हैं DIR \W। तो आप देख पाएंगे विड्थ में ये पूरा मैटर आ गया, बट तब भी एक पेज से ज़्यादा मैटर है। तो यहाँ हम करें DIR \W \P और एंटर कर दें। तो आप देख पा रहे हैं एक पेज आपके सामने आ गया। अगर यहाँ प्रेस एनी की टू कंटिन्यू कर देते हैं तो अगला पेज भी आपके सामने प्रेषित हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम अपने डायरेक्टरी या अपने ड्राइव के अंदर जो भी फाइल फोल्डर्स हैं उनको हम शो करके देखते हैं। अब हम चलते हैं इस विंडो को जो स्क्रीन पे पूरा मैटर दिख रहा है आपको, इसको क्लियर करना चाहते हैं तो एक कमांड होता है CLS कमांड।
CLS कमांड का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। यहाँ एंटर करेंगे तो आपके पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अब हम यहाँ टाइम जानना चाहते हैं तो यहाँ पर हम टाइम प्रेस कर दें, कमांड टाइम कमांड प्रेस कर दें तो हमें टाइम पता चल जाएगा। यहाँ हम नया टाइम दे सकते हैं लेकिन विंडोज़ 10 में सारे वर्क नहीं शो करते। अगर हमें टाइम चेंज करना तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। 20:45 करके एंटर कर देते हैं तो आप देख पा रहे हैं आर रिक्वायर्ड प्रिविलेज इज नॉट हेल्ड बाय द क्लाइंट। यहाँ पर हम चेंज नहीं, अगर हम यही पुरानी विंडोज़ में XP में या 7 में हम यूज़ कर रहे होते तो हम इसको चेंज कर सकते थे, बट यहाँ पर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें अगर टाइम जानना है तो आपने देखा हम टाइम कैसे देख रहे हैं, हम इस तरह से टाइम प्रेस करते हैं तो टाइम सामने आ जाता है, फिर हम एंटर करके बाहर आते हैं। अगर हम यहाँ डेट प्रेस करते हैं, डेट कमांड चलाते हैं तो हमें डेट मालूम हो जाता है। तो इस तरह से हम एक एक कमांड को प्रेसित कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया, उस टाइम मैंने विंडोज़ के वर्ज़न के बारे में आपको बताया। आप देखें ये वर्ज़न हम लिखते हैं VER, तो कौन सा वर्ज़न हम यूज़ कर रहे हैं, किस वर्ज़न के अंदर हम कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ कर रहे हैं, वो आपके सामने प्रेजेंट हो जा रहा है। इस तरह से हम कमांड्स को प्रेसित करते हैं, आदेशित करते हैं इसको। अब हम देखते हैं कि यदि हमें एक डायरेक्टरी मीन्स एक फोल्डर क्रिएट करना है ई ड्राइव के अंदर तो हम कैसे बनाते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं MD। MD का मीन्स होता है मेक डायरेक्टरी। हम इसको कमांड दे रहे हैं कि डायरेक्टरी बनाओ, स्पेस दिया हमने, और यहाँ हमने डायरेक्टरी जिस नाम से बनानी है वो नाम हम लिखते हैं MK। हमने लिख दिया MD, MK नाम की एक फाइल बनाओ और एंटर कर दिया हमने। आपने देखा यहाँ पर हमने जो कमांड प्रेसित किया MD स्पेस MK मीन्स ई ड्राइव में एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दो MK नाम से। जब इसको एंटर किया गया तो ना कोई मैसेज ना कोई सूचना इसमें आई, मीन्स इसका मतलब ये है कि हमारे द्वारा जो कमांड दिया गया वो कमांड प्रोसेस में हो गया, मीन्स MK नाम का डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, यदि हम MK नाम की डायरेक्टरी को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम CD कमांड चलाएंगे और स्पेस देंगे और MK प्रेसित करके एंटर करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ई प्रॉम्प्ट के अंतर्गत आपका MK नाम की डायरेक्टरी ओपन होकर के आ गई। अगर यहाँ पर हम DIR कमांड चलाते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कोई भी फाइल अभी नहीं है, दो डायरेक्टरी बाय डिफ़ॉल्ट बन जाती हैं बिकॉज जो हमने MK नाम की डायरेक्टरी बनाई है उसके अंदर ये डायरेक्टरी किस डेट को और किस टाइम में बनी हुई है वो डिटेल्स यहाँ प्रेषित हो जाती हैं। तो आपने देखा हमने डायरेक्टरी को कैसे क्रिएट किया। अब हम यहाँ पर CLS कमांड को चलाते हुए स्क्रीन को हम क्लियर कर लिए। अब हम चलते हैं MK नाम की जो डायरेक्टरी हमने क्रिएट की है इसके अंतर्गत हम एक फाइल बना करके दिखाते हैं आप लोगों को। कॉपी स्पेस कॉन, कॉपी और कॉन के बीच में आपको एक स्पेस प्रोवाइड करना है। यहाँ हमने लिखा सुमित, सुमित नाम की एक फाइल हमने दी और एंटर किया। देख पा रहे हैं यहाँ एंटर करते ही ब्लिंकिंग पॉइंट नीचे आ गया। अब यहाँ इसमें इस फाइल में जब तक हम कुछ मैटर नहीं लिखेंगे, फिर हम इसको सेव नहीं करेंगे जब तक हम मैटर नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ डाल देते हैं ऐसे ही एग्जाम्पल तौर पर सुमित इज अ गुड बॉय और हमने फुल स्टॉप करा। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को हमें सेव करना है और एंटर करने से केवल सेव नहीं होगा, यहाँ हम पूरा मैटर डाल सकते हैं। सेव करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+Z, जो अंडू का शॉर्टकट होता है Ctrl+Z, यहाँ सेव का शॉर्टकट है, या फिर हम फंक्शन की से F6 प्रेस करें। तो हम यहाँ से Ctrl+Z कर देते हैं और एंटर कर देते हैं तो लिख के आया वन फाइल कॉपीड, मीन्स आपने जो कॉपी कॉन कमांड प्रेसित किया है उस कमांड का ये मतलब है कि जो सुमित नाम से आप फाइल बनाना चाह रहे थे उस फाइल को कॉपी कर दिया गया, मतलब सेव कर दिया गया है। अब हम चाहते हैं कि जो हमने मैटर दिया हुआ है या जो हमने सुमित के अंतर्गत बनाया हुआ है इसमें जो मैटर दिया है उस मैटर को हम देखना चाहते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं DIR कमांड चलाते हैं और हम देखना चाहते हैं कि क्या MK फोल्डर के अंतर्गत हमारा फाइल जो सुमित नाम का है बन के आया है या नहीं। आप देख पा रहे हैं सुमित नाम की फाइल बन के आ गई है जो कि 20 बाइट्स की है। एक अमित नाम से भी फाइल हमने इसमें बना के रखा हुआ है। इस फाइल को हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम कैसे डिलीट करते हैं, यहाँ पर हम कमांड चलाते हैं del और स्पेस करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं अमित और एंटर कर देते हैं। अब हम DIR करके देखते हैं क्या अमित नाम की फाइल डिलीट हो गई। आप देख पा रहे हैं
यहाँ से अमित नाम की फाइल डिलीट हो चुकी है, बिकॉज यहाँ आपने भी देखा था जब, तो यहाँ पर टू फाइल्स शो कर रहा था और यहाँ पर अब वन फाइल शो कर रहा है। मीन्स डेल कमांड का इस्तेमाल करके हम किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा हम फाइल कैसे बनाते हैं। यदि सुमित फाइल के अंदर जो मैटर है उसको हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक कमांड होता है टाइप कमांड। टाइप कमांड यहाँ लिखेंगे, स्पेस देंगे और यहाँ पर लिखेंगे सुमित और एंटर कर देंगे, तो सुमित के अंतर्गत जो भी मैटर होगा वो आपका यहाँ पर प्रेषित हो जाएगा। तो इस तरह से हम कमांड को प्रेषित करते हैं। आपने देखा हम फाइल को कैसे बनाते हैं, फाइल को कैसे सेव करते हैं तथा फाइल को हम कैसे देखते हैं। अब हम चलते हैं फाइल को रीनेम करके देखते हैं। एक बार मैं दिखा दूं आप लोगों को DIR करके कि इसमें जो फाइल है सुमित नेम की फाइल है, इस फाइल को हम रीनेम करना चाहते हैं तो हम कैसे करते हैं। यहाँ पर हम रेन कमांड चलाते हैं। रीनेम करने का एक कमांड होता है रेन, रेन स्पेस जिस फाइल को आपको चेंज करना है उस फाइल का नेम, मीन्स ओल्ड फाइल नेम डालेंगे फिर स्पेस करेंगे और यहाँ पर हम न्यू फाइल नेम डाल करके एंटर कर देंगे। अब आप यहाँ DIR प्रेषित करेंगे तो आप एंटर करके देख, आप यहाँ देखेंगे सुमित नाम की जो फाइल थी वो अमित नाम में चेंज हो गई। यदि अब हम टाइप कमांड के माध्यम से देखना चाहते हैं कि सुमित नाम की फाइल में क्या मैटर था, तो यहाँ सुमित लिखने के बाद आपको एरर मैसेज आएगा, बिकॉज अब सुमित नाम से फाइल का कोई भी पहचान नहीं किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर टाइप कमांड के साथ अमित लिखते हैं तो हमें जो फाइल हमने सुमित में लिखा था मैटर वो अमित में हमें दिख जाएगा। इस तरह से हम DOS में बहुत सारे कमांड्स को प्रेषित करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एग्जिट करेंगे और बाहर आ जाएंगे। इस तरह से हम DOS को यूज़ करते हैं। तो क्लास बहुत बड़ी ना हो, चूँकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना था वीडियो में। तो आपने देखा कमांड प्रॉम्प्ट को हम ओपन कैसे करते हैं, उसको हम यूज़ कैसे करते हैं, उसमें हम कैसे फोल्डर क्रिएट करते हैं, कैसे फाइल को बनाते हैं, फाइल को कैसे देखते हैं, स्क्रीन को कैसे क्लियर करते हैं, ये सारा कुछ आपने देखा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।